खबर भीकनगांव से, विधायक ने किया ओपन जिम का लोकार्पण। भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी ने विधायक निधि से 8 लाख रुपए की लागत से आदिम जाति खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्मित ओपन जिम का लोकार्पण फीता काटकर स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में किया। विधायक ने बताया कि युवाओं, बच्चों और विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य और व्यायाम के लिए ये जिम लाभकारी सिद्ध होगा। जिम के शुभारंभ कार्यक्रम में भीकनगांव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम चांगल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश वर्मा, राजू दादा, पार्षद गोपाल सोलंकी, पार्षद प्रशांत भालसे, उज्ज्वल सेन सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। आज आपके निधि के द्वारा एक ओपन जिम का उद्घाटन किया गया, कैसे देखते हैं इसको? मतलब शहर के लिए, नगर के लिए कैसे जरूरी है? नगर के लिए चूँकि मांग भी थी बच्चों में, महिलाओं में, युवाओं में, मुझे कई बार अवगत कराया गया था कि हमें जिम की व्यवस्था यहाँ की जाए। तो जब पिछली बार भी विधायक बनी थी तब मैंने एक संस्था को भी जिम का एक सामग्री दी, पर वो पर्याप्त मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि और भी यहाँ देना चाहिए, क्योंकि जगह की कमी की वजह से मैं पिछली बार भी ज़्यादा नहीं दे पाई थी। इस बार मेरी नज़र में थी कि यहाँ पे गार्डन डेवलप करेंगे और जिम की व्यवस्था हो तो निश्चित ही आने वाले दिनों में बच्चे, महिलाओं, युवाओं में सभी में रुझान इसके प्रति बड़ा है। एक व्यायाम जो आज की तारीख में कोरोना काल को देखते हुए तो लगता ही है कि हर व्यक्ति ने अपना जो है व्यायाम करना ही चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शहर को एक नई सौगात दी है, और जिसका व्यापक प्रचार हमने नहीं किया उसके बावजूद भी उसका रुझान इतना बड़ा कि मुझे पता चला कि दिन भर भीड़ लगी रहती है, बच्चे, महिलाएं, हर कोई यहाँ पे आकर उसके उपयोग कर रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए भीकनगांव खरगोन से विकास श्रीवास की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।